हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, जो परसेंटेज का पार्ट आप लोग को मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में परसेंटेज का पार्ट वन कराया था और उसमें बहुत सारे बात को आपको बताया था, कुछ डेटा उसमें बताया था परसेंटेज का ऑलरेडी आप लोगों को याद करने के लिए। और इस वीडियो जो है फ्रेंड्स पार्ट टू है, परसेंटेज का पार्ट टू है। और ये जितने क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसमें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी उसमें आप लोगों को परसेंटेज के कुछ डेटा याद करने के लिए पहले दे चुके हैं फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग याद किए होंगे, तो आप लोग विद इन सेकंड में इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, वो आप लोगों को रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस है मैं इस पर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स इस सेशन में। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व मैं कराऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस कर रहा है। फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे या हिंदी मीडियम में, तो यहाँ पे जो क्लास चलेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्लास चलेगी फ्रेंड्स, आप लोगों को बाई लिंगुअल क्लास चलेगा। क्या चलेगा? तो आप लोगों का जो भी क्लास चलेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाई लिंगुअल क्लास चलेगा फ्रेंड्स, या आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश। बट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में लिखा गया है क्वेश्चन, बस इसको आप लोगों को हिंदी में भी समझाया जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 497 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 260 होल 2/3% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। इसका इस क्वेश्चन का कहने का पर्पज यही है फ्रेंड्स, अगर किसी संख्या, यहाँ कह रहा है कि अगर किसी संख्या में कितना ऐड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है कितना, 497। कितना फ्रेंड्स? अगर किसी संख्या में 497 ऐड कर दिया जाता है तो नंबर बिकॉम्स 60 होल 2/3%, तो कितना आप लोगों को प्राप्त हो जाता है उस संख्या में, जब 497 में किसी संख्या के 497 में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो कितना बनता है, कितना परसेंट बनता है, तो 260 होल 2/3% बनता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो आप क्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चंस का मतलब यही है, हिंदी आप लोगों को बता दिए फ्रेंड्स कि अगर किसी संख्या 497 में ऐड कर दिया जाता है तो कितना बनता है, 260 होल 2/3% बनता है। तो आप लोगों को वास्तविक संख्या, ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, वास्तविक नंबर, आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया था, इस क्वेश्चंस को बताने से पहले आप लोग कुछ यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों को कुछ डाटा आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को डाटा बताया था कि जैसे मैं 50% का फ्रैक्शन भी क्या होता है, 1/2 होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, तो आप जानते हैं निकालने का विधि, आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग ऐसे निकाल देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है, कोई संख्या का कितना भाग है, कोई संख्या का 100 का कितना भाग है, जैसे यहाँ 50% है, ये 100 का कितना भाग है, तो 1/2 भाग है। तो इसी प्रकार से सिमिलरली आप लोगों को मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स 100, इस क्वेश्चन से बताने से पहले आप लोगों को कुछ डेटा को याद करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे मैं 100 का फ्रैक्शन भी क्या होगा, तो 100/ में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 101 हो जाएगा। आप लोग से पूछा जाएगा 2%, मतलब कि आप लोग से यहाँ पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि 200% का फ्रैक्शन भी क्या होगा, तो 200 का क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 200/100 कितना होगा, 2/1 होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये डाटा आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके थे, तो इस क्वेश्चन को उसी डाटा के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है 216 लिखा है, तो 216 को हम अलग अलग लिख सकते हैं, 200% + 16 होल 2/3%, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 200 का क्या होता है, 2% होता है, और 16 होल 2/3% का क्या होता है, 1/6 होता है फ्रेंड्स। इसका जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 13/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शन भिन्न हो गया, फ्रैक्शन भिन्न हो गया फ्रेंड्स। हम इतना चीज़ को हम न लिख करके इसको हम क्या लिखेंगे,
इतना हम आप लोगों को समझाए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उतना चीज़ को हम ना लिख करके बस यहाँ पे हम क्या करेंगे 260 होल 2.3% को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 13.6 लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, यदि इतना में ऐड करने पर 497 में ऐड करने पर कितना परसेंट बनता है, तो 216 होल अपॉन में 2% बनता है। यानी कि 6 में ये जो 6 है फ्रेंड्स ये क्या है वास्तविक नंबर यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है। ये जो 6 है नीचे वाला क्या होता है, जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू उसको काउंट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नीचे वाला क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू में क्या ऐड कर दिया जाए तो इतना बनेगा। तो इसमें क्या ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें कितना ऐड हो रहा है तो 7 ऐड हो रहा है। बट क्वेश्चन में कितना ऐड किया जा रहा है फ्रेंड्स, 497 ऐड किया जा रहा है। क्वेश्चन में कितना तो 497 ऐड किया जा रहा है, 497 ऐड किया जा रहा है। तो जो 7 का कितना गुना है 497, 7 का कितना गुना 497 है फ्रेंड, तो 77 और 7 = 71 गुना है। उसी प्रकार से ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू का कितना हो जाएगा 71 गुना तो कितना हो गया फ्रेंड 426। ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया 426, यानी कि 426 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि ये एस एस सी जो सी एच एस एल 20 देख रहे हैं 2017 में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अ डिओनेस्टी क्या कह रहा है कि अ डिओनेस्टी मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स क्या कह रहा है ही मिक्स वाटर इन इट एंड यर्न 16 होल 2 अपॉन में 3% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि एक बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है, क्वेश्चन का हिंदी हुआ कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पे क्या करता है सेल करता है, लागत मूल्य पे क्या करता है फ्रेंड्स तो मिल्क को सेल करता है। बट उसमें क्या कर रहा है, परंतु वह दूध में क्या कर देता है, दूध में पानी मिला देता है, वाटर मिक्स कर देता है फ्रेंड्स। जब वाटर मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद 16 होल 2 अपॉन में 3% प्रॉफिट भी कमाता है। जब वाटर को उसमें मिक्स किया बेईमान दुकानदार और मिक्स करने के बाद 16 होल 2 अपॉन में 3% प्रॉफिट भी कमाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क, तो ज्ञात करें मिक्सचर यानी कि मिश्रण और मिल्क का अनुपात ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 16 होल 2 अपॉन में 3% का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है आप लोगों को ऑलरेडी याद करने के लिए दिए थे, जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 अपॉन में 6 होता है। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाले को मानते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वास्तविक जो नंबर है वो नीचे वाले होता है फ्रेंड्स। जो मिल्क है ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये क्या है मिल्क है, क्या है फ्रेंड्स ये मिल्क है, यानी कि जो 6 लीटर है वो क्या है मिल्क है। उसमें क्या करता है पानी को मिक्स करता है, कितना लीटर 1 लीटर पानी को मिक्स कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 1 लीटर है वो क्या है वाटर है, 1 लीटर जो है वाटर है और 6 लीटर दूध में 1 लीटर वाटर को मिक्स कर दिया तो मिक्सचर कितना बन गया 7 का मिक्सचर बन गया। तो आप लोग उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड क्या मिल्क, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि मिक्सचर रेशियो क्या मिल्क, मिक्सचर रेशियो मिल्क, मिक्सचर कितना है 7 है, यहाँ पे 7 लिख देंगे और मिल्क कितना है तो 6 है। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स 7:6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा तो 7:6
सिक्स हो गया इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से और क्वेश्चंस है आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आप लोग थर्ड देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ 13 to 20 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर्स बिकम्स 237 होल 2/1/2% ऑफ इट सेल्फ द फाइंड, क्या कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चंस का कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर किसी संख्या, क्वेश्चंस कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या में क्या ऐड किया जाता है, कितना फ्रेंड्स अगर किसी संख्या में ऐड किया जाता है, कितना ऐड किया जाता है फ्रेंड्स 1320 ऐड कर दिया जाता है तो कितना परसेंट बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 237 होल 1/2% बनता है। तो क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर क्या आप लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोगों को ओरिजिनल नंबर को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइंड करना है। इसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ आप लोग देख रहे हैं 237/2% देख रहे हैं, इसको हम अलग अलग जोड़ेंगे, यहाँ 200% लिखेंगे प्लस में कितना हो जाएगा 37 होल 2/1/2% 200 का कितना होता है फ्रेंड्स 2 होता है, और यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स जो 37 होल 1/2% का मतलब क्या होता है 3/8 होता है, तो कितना हो गया 8 × 16 हो गया 16 × 3 = 19 हो गया। तो इस बात को हम इतना ना करके इस बात को हम इतना केवल लिखेंगे, इस बात को 200 जो 37 होल 2/3% 1/2% है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1/2% है, इस बात को हम कितना लिखेंगे 19/8 लिखेंगे फ्रेंड्स। इसका क्या होता है फ्रैक्शन भिन्न होता है, क्या होता है फ्रेंड्स कि जो 237 होल 1/2% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है तो 19/8 होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस ओरिजिनल वैल्यू में, नीचे वाला के ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो ओरिजिनल नंबर है ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड किया जाए कि कितना प्राप्त हो जाए 19, इसमें कितना ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें कितना ऐड हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें ऐड जो हो रहा है 11 ऐड हो रहा है बट क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है, क्वेश्चन में 1320 ऐड हो रहा है। ये जो 1320 है 11 का कितना गुना है, जो 1320 है वो 11 का कितना गुना है तो 120 गुना है, कितना है 120 गुना है। उसी प्रकार से आप लोग से पूछा जा रहा है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका कितना गुना होगा, तो उसका कितना गुना हो जाएगा 12/8 आप लोगों को 960 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो 960 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लेकर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड्स क्या, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ 1290 इज एडेड इन अ नंबर्स देन नंबर्स बिकम्स कितना, देन नंबर्स बिकम्स कितना कह रहा है कि देन नंबर बिकम्स 714 होल 2/7% ऑफ इट सेल्फ द फाइंड ओरिजिनल नंबर। आप लोग क्या इसमें फाइंड करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। जैसे आप लोग नेक्स्ट इसके पिछले क्वेश्चंस बनाया उसी प्रकार से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वही आप लोगों को फंडा को अप्लाई करना है, वही ट्रिक को आप लोगों को अप्लाई करना है, बट इसमें थोड़ा सा एक क्या है नंबर को चेंज किया गया है। यहाँ पे 1200 नंबर आप देख रहे हैं, 1290 देख रहे हैं नंबर, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 714 होल 2/7% का फ्रैक्शन भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो 714 है
714 होल 2 अपॉन में 7% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 700% लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, 14 होल क्या लिखेंगे, 2 अपॉन में 7%। आप लोग जानते हैं कि 700 का कितना होता है परसेंटेज, 700 होता है जी, 700 का कितना होता है, 7 होता है। 700 के कितना होता है फ्रेंड्स, तो 7 होता है। अब आप लोग ये भी जानते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो 14 होल 2 अपॉन में 7% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन में 7 होता है। तो 77 49 50 अपॉन में 7, तो जो 50 अपॉन में 7 है इस बात को हम इतना न लिख करके शॉर्ट में हम आप लोगों को लिखेंगे, बट आप लोग यहाँ पर समझाने के लिए इस बात को आप लोगों को बताएं फ्रेंड्स। तो इस बात को हम इतना न लिख करके आप लोगों को शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितना ही शॉर्ट में आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा उतना ही आप लोगों को टाइम का क्या होगा, मैनेज होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकाल सकते हैं, बट उसमें आप लोगों को टाइम को मैनेज करना पड़ता है फ्रेंड्स। और टाइम का मैनेज कैसे होगा, तो आप लोग जितना ही याद रखिएगा फ्रैक्शन भी या कोई भी सब्जेक्ट को उतना ही आप लोग जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्पीडली होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि 714 होल 2 अपॉन में 7% का जो फ्रैक्शन भिन्न होता है कितना होता है, 50 अपॉन में 7 हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1200 सॉरी गाइस फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर संख्या में, अगर किसी संख्या में 1290 ऐड कर दिया जाता है तो कितना परसेंट बनता है, 714 होल 2 अपॉन में 7% बनता है। तो आप लोगों को ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करना है, बट इस क्वेश्चन में कितना ऐड करने पर 50 आएगा फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं 41 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बट 41 को ऐड करने पर, बट क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना ऐड हो रहा है, 1290 ऐड हो रहा है। तो ये जो 1290 ऐड हो रहा है क्वेश्चन में, तो ये 41 का कितना गुना है फ्रेंड्स, 41 का कितना गुना है, 1290, तो 30 गुना है। उसी प्रकार से ये जो आप लोग देख रहे हैं ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, तो ओरिजिनल नंबर ये जो है फ्रेंड्स 7, तो ओरिजिनल नंबर भी क्या होगा, 30 गुना होगा, क्या होगा, ओरिजिनल नंबर भी 30 गुना होगा। तो इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 210 कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 210 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 210 हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग विद इन सेकंड में, जब आप लोगों को फ्रैक्शन भिन्न मालूम रहेगा तो विद इन सेकंड में आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको हिंदी में लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को लिखा हूँ और इंग्लिश में आप लोगों को रिपीट कर दूंगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को क्या करता है, लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में क्या करता है, पानी को मिलाता है और 12 होल 1 अपॉन में 2% क्या करता है, लाभ भी कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की क्वांटिटी क्या होगा, दूध का मात्रा क्या होगा। इसको मैं फ्रेंड्स आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश में होगा फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, तो अ डिहोनेस्ट मिल्क मैन सेल इन मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, और क्या कह रहा है, परंतु वह दूध में पानी को मिलाता है, तो व्हाट ही मिक्स वाटर इन ईट एंड यर्न, ईट एंड यर्न, और क्या करता है, 12 होल 1 अपॉन में 2% लाभ भी क्या करता है, कमाता है, यर्न्स 60 होल 2 अपॉन में 3% इज प्रॉफिट, और क्या कह रहा है कि एंड मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी 180 100 लीटर, तो देन फाइंड द मिल्क ऑफ क्वांटिटी, आप लोगों को क्या करना है, देन फाइंड द मिल्क ऑफ क्वांटिटी, आप लोगों को मिल्क का क्वांटिटी आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स
आप लोगों को मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लोग इस विद इन सेकेंड में आप लोगों को क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को आप लोगों को करने का मेथड बहुत अच्छा है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पे बेचने की घोषणा करता है, कितना परसेंट है इसमें, इसमें आप लोग देख रहे हैं 12 होल 1/2% है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड 12 होल 1/2% है। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 12 होल 1/2% का जो फ्रैक्शन भी होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, जो इसका फ्रैक्शन भी ना आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को याद करने के लिए कुछ डेटा दिए थे, तो आप लोग याद कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो कितना है 12 होल 1/2% में, क्या है 12 होल 1/2% में 2% लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये जो 1 लीटर है ये क्या है, वाटर है। 1 लीटर क्या है, वाटर है। और 1 लीटर क्या है फ्रेंड्स, तो वाटर है। और ये नीचे वाला जो क्या है, ओरिजिनल मिल्क है। क्या है फ्रेंड्स, नीचे वाला क्या है, तो आप लोगों को ओरिजिनल मिल्क है। बट इसमें कितना वाटर मिला रहा है फ्रेंड्स, इसमें वाटर कितना मिला रहा है, 1 लीटर। 8 लीटर जब दूध है, 8 लीटर दूध में 1 लीटर वाटर मिला दिया तो कितना हो गया, 9 लीटर हो गया, 9 लीटर हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो गया, 9 लीटर हो गया फ्रेंड्स, कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। बट क्वेश्चन में कितना दूध मिलाया जा रहा है, मिश्रण, ये 9 लीटर क्या होगा, आप लोग मिश्रण होगा, मिक्सचर हुआ। जब 8 लीटर दूध था उसमें 1 लीटर पानी को मिला दिया तो मिक्सचर कितना बना, 9 लीटर का मिक्सचर बना। कितने का मिक्सचर बना फ्रेंड्स, तो 9 लीटर का मिक्सचर बना। बट क्वेश्चन में कितने का मिक्सचर यहाँ पे बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कितने का बन रहा है, तो 8100 का लीटर का मिक्सचर बन रहा है। बट क्वेश्चन में 8100 का बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। ये 9 का कितना गुना है फ्रेंड्स, 9 का 900 गुना है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर मिल्क ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मिल्क का क्वांटिटी क्या होगा, तो मिल्क का भी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 900 गुना हो जाएगा फ्रेंड्स। जो मिल्क है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मिल्क का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 900 गुना हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क कितना है, 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 900 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72 हो गया। यानी कि मिल्क का कितना गुना हो जाएगा, 72 लीटर गुना हो जाएगा, यानी कि 72 लीटर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस जितने भी कराया वो रेलवे के पर्पज से मैंने कराया फ्रेंड्स, क्या रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी के पर्पज से आप लोगों को क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। और सोच रहा हूँ फ्रेंड्स कि रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी मैं लेकर आऊँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं प्रिंट करूंगा और आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं प्रिंट करूंगा, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।